क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था, लीडरशिप पे थे हम लोग, लीडरशिप का चैप्टर था। हम यहां तक पहुंच गए थे सर कि अगर मैं लीडरशिप की टाइप्स की बात करूं, कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज में समराइज करके मुझे पता चला कि सर तीन किस्म के लीडर थे। लीडर्स की तीन किस्म के एग्जाम है, एक वो जो के पीपल ओरिएंटेड है, उसको सोशल नीड्स ज्यादा है, वो चाहता है कि मैं एफिलिएशन बरकरार रखूँ, वो चाहता है कि मैं अपने स्टाफ से अच्छी बातचीत रखूँ। सर दूसरी साइड पे मेरे पास कौन है, जो टास्क ओरिएंटेड है, जो कहता है कि मुझे सिर्फ टास्क से लेना देना है, मैं चाहता हूँ टास्क कंप्लीट हो जाए, इसमें चाहे किसी की कुछ भी हो रहा हो। सही है, तो ऐसे आपको पाकिस्तान में और कराची के खासतौर पे कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज्यादा मिलेगा अपने टास्क ओरिएंटेड, जो कि अच्छी बात है कि टास्क ओरिएंटेड और लीडरशिप ओरिएंटेड। ठीक है जनाब, ये दो चीज आ गई। तीसरी चीज हमने देखी कि लेसिसफेयर। अब लेसिसफेयर का तरीका क्या है कि एक लीडर है, वो ये कहता है अपने स्टाफ से कि प्रॉब्लम्स भी खुद आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन भी खुद आइडेंटिफाई करो, और हर चीज डिसीजन मेकिंग ये सारी चीजें क्या करो, अपने खुद करो। सर इसके अंदर दो चीजें हमने पढ़ी कि या तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि आपके लीडर को अपने स्टाफ पे कॉन्फिडेंट नहीं है वो, या ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ स्ट्रेटेजी नहीं है उसके पास, सर उसके पास मैनेज करने का तरीका है। वो सिर्फ ये बचाने के लिए चीज कि ऐसा ना हो कि ये बात जाहिर हो जाए कि यार मुझे तो आता ही नहीं, काम करो तुम लोग खुद अपने एंड से करो सारे चीज। ठीक है, ऐसे भी कल्चर है आपको बहुत मिलेंगे कॉर्पोरेट में। ये थी कैटेगरीज थी सर जो अभी तक हमने पढ़ ली, जो कि मेन कैटेगरीज है। अब हम आएंगे थ्योरीज पे। थ्योरीज पे हमने देखा कि तीन से चार तरीके की थ्योरीज है, ट्रेड थ्योरीज है पुराने जमाने की, फिर बिहेवियरल थ्योरीज है, फिर कंटिजेंसी थ्योरीज है, कंटिजेंसी अप्रोच है। इस तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा होगा। सर आए पढ़ते हैं कि ट्रेड थ्योरीज क्या थी और क्या कहती है लीडरशिप के बारे में। अच्छा जी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको ट्रेड थ्योरी बताएगी यहाँ पर, वो ये है कि ये कहता है कि व्हाट लीडर इज what they actually do, trade theories में पता चला कि एक leader अपने individual intelligence से पहचाना जाता है कि कितना अच्छा leader है। ठीक है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के थ्रू उसकी पहचान होती है कि भाई वो एक अच्छा लीडर है या बुरा लीडर है। मगर कुछ चीजें हमें ऐसी भी मिलती हैं ट्रेड थ्योरी में जो कहती हैं कि लिटिल और नो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मैनेजर स्टेट एंड सक्सेस। कहता है कि ट्रेड थ्योरी में मैनेजर ट्रेड यानी मैनेजर की इंटेलिजेंस और सक्सेस का कोई लेना देना नहीं आपस में, ये ट्रेड थ्योरीज कहती है पुराने जमाने में। मैनेजर्स इंटेलिजेंस हैज नथिंग टू डू विद सक्सेस। आप जितना अच्छा लीड कर लो, आप जितना अच्छा मैनेज कर लो, सक्सेस से कोई लेना नहीं। ठीक है, उसकी अपनी सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव करोगे, लेकिन उसकी अपनी इंडिविजुअल सक्सेस नहीं होगी। पुराने तरीके इसके बेसिक पांच पॉइंट्स हैं, इंटेलिजेंस,
ट्रेड थ्योरी इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहता है, सेल्फ एस्टीम के बारे में क्या कहता है, इंटेग्रिटी के बारे में क्या कहता है, सेल्फ एस्टीम, ESTW, बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, ये चार मेन पॉइंट है। बड़ा आगे सर आए देखते हैं इंटेलिजेंस के बारे में ट्रेड थ्योरीज क्या कहते हैं। भाई इंटेलिजेंस से क्या मुराद है, एक जनरल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, जिसको आप IQ भी कह सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली क्या है ये, मेंटल एबिलिटी है, इसमें और कुछ नहीं। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। से एक सिंपल सा बंदा होता है, सबका एक अपना IQ है, सबका अवेयरनेस लेवल अलग है। हो सकता है कोई सिर्फ 2 घंटे में सीख रहा है, एक बंदा 4 घंटे में सीख रहा है, एक बंदा 5 मिनट में सीख रहा है। सबका अपना अपना IQ, अपना अपना अवेयरनेस लेवल है। सही है, सेल्फ एस्टीम जो ट्रेड थ्योरीज में सेल्फ एस्टीम की बात की गई है वो क्या है, बहुत प्यारी बात और एक जुमले में, डिग्री ऑफ अ पर्सन टू बी एट पीस। किससे सर, अपने आप से। सही है सर, एक असेसमेंट अपनी वर्थ की, सेल्फ वर्थ। ठीक है, सबसे पहले उर्दू में समझ लो, सेल्फ एस्टीम क्या है भाई, अपनी इज्जत, अपनी अचीवमेंट, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एस्टीम। सही है, अगर मैं जाता हूँ ऑफिस में, सब मुझसे बहुत एहतराम से मिलते हैं, सब मुझे इज्जत देते हैं, मेरे जूनियर्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं, पीठ पीछे भी मेरी जो है वो अच्छा ही तारीफ कर रहे होते हैं, मेरे सीनियर्स मेरी बहुत तारीफ करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मेरी सेल्फ एस्टीम। ठीक है, इसको ईगो से कंफ्यूज नहीं करना, ईगो सेंट्रिज्म एक बहुत सेपरेट और डिफरेंट चीज है। सही है, ईगो नहीं है, अला नहीं है, सेल्फ एस्टीम है, जिसमें मैं अकॉम्प्लिशमेंट कहूंगा, अचीवमेंट जो मेरी अपनी है, सेल्फ एस्टीम कहती है। सही है, तो अपनी वर्थ की असेस करना कि यार मेरी इस जगह पे क्या वैल्यू है। सही है, ये कहते हैं, ये कहलाती है सेल्फ एस्टीम। सर इंटीग्रिटी क्या कहती है, जो लीडर अच्छा होता है वो ऑनेस्ट होता है और उसकी इंटेग्रिटी अच्छी होती है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। ठीक है, ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, ट्रेड थ्योरीज कर रहे हैं। एक जो लीडर है उसमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इंटेलिजेंस का मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी, IQ, उसकी सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए कि वो अपनी असेसमेंट, सेल्फ वर्थ की असेसमेंट करे, अपने आप को देखे, अपना ग्रोथ ग्राफ देखे कि भाई मैं कब पर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ रहेगी तो उसको अलग पेज पे कराऊंगा। आखिरी पॉइंट क्या था, बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट।
सही है। इसमें क्या कहते हैं भाई, साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस सिस्टम्स ऑफ कैटेगराइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेकअप एन इंडिविजुअल्स यूनिक पर्सनैलिटी। सही है, उसने उसको बिग फाइव मॉडल का नाम दिया, उसमें कुछ पांच ट्रेट्स बताए गए, वो ट्रेट्स कौन कौन से। वो बोलता है कि सबसे पहली चीज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि जिनको आप सिखाने की कोशिश करेंगे या आप अटेम्प्ट करेंगे कि मैं इसको कुछ सिखा दूं, तो बोल के भाई रुक जाओ मुझे आता है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत से डेली लाइफ में भी लोग मिलेंगे, आप बोलोगे ये कुछ। ठीक है, तो ऐसा ना हो। सबसे बड़ी, और इसको तो छोड़ दो ना, लीडर को छोड़ दो, एक अकलमंद शख्स की निशानी है ये कि वो हमेशा जिंदगी में सीख रहा हो, मरते दम तक सीख रहा हो। मैं इवन क्लास में बैठता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं बहुत पेशेवर चीज सीखता हूँ। डिस्कशन करने का मकसद ये होता है कि चार बातें मैं उनको बता रहा हूँ तो एक बात सीख रहा हूँ, और मुझे एक बात होती है मेरे लिए बहुत जरूरी होती है कि मैं जिन लोगों में बैठता हूँ, लाजिब बात है कि ठीक है मैं कोई 1820 का नहीं हूँ, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हूँ कि जितने स्टूडेंट्स के लेवल की बात में होता है, जिस तरह उनका सर्कल होता है, ग्रुप होता है, उस ग्रुप में नहीं बैठ सकता, तो उस ग्रुप की बात उस तक नहीं पहुंच रही, तो मैं इस तरीके से अपनी बात अपने पास लेके आता हूँ कि भाई आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है। इससे मुझे हेल्प होती है कि भाई मैं बच्चे के लेवल तक जाके उसकी बात कर सकूँ। ठीक है, तो हमेशा एक अच्छा लीडर ट्रेड थ्योरीज के मुताबिक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। सो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस से ओपननेस होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, कंसाइंशियसनेस, जरूरी है इसलिए लिख लिया। अब और से सुनो, सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस करूँ, ठीक है, लेकिन वो मैं एक्सपीरियंस गेन करके ना आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, मेरे पास वो साइंस नहीं है। मैं हमेशा लफ्जों से एक चीज निकाल के बताता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि जेन में रहे, और वो जेन में भी रह जाती है। उसके पास वो साइंस नहीं है कि वो एक्सपीरियंस गेन करके सामने डिलीवर कर रहा है, तो उसका इसने नाम दिया कंसेंशियसनेस, जिसका मतलब होता है ओपननेस टू डिलीवर। ओपननेस टू एक्सपीरियंस के बाद ओपननेस टू डिलीवर बंदा अगर नहीं करेगा तो फायदा ही नहीं उसे एक्सपीरियंस गेन करने का, जो आगे डिलीवर ना कर सके। सिंपल सी बात है, दो किस्म के लोग होते हैं। एक बहुत अच्छी कोड है, अगर आपने देखी हो, उसमें चार जुमले हैं, और पहला जुमला इस तरीके से कि जो जानता है और नहीं जानता कि वो जानता है, मैं उसको बताऊं, जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो जाहिल है, उसको सिखाऊं। जो जानता है और जानता है कि वो जानता है, कि वो अक्लमंद है, उसे सीख। सही है, वही वाली बात है कि ये बंदा जानता तो है लेकिन ये नहीं जानता ये जानता। सही है, तो ओपननेस टू डिलीवर होना जरूरी होता है, उसकी साइंस होना जरूरी है। सर अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा विजन। एक्स्ट्रा विजन एग्रीबलनेस, न्यूरोटॉक्सिन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसेंशियसनेस,
अच्छा एक्स्ट्रा वर्जन भी देख लो ऐसे ही। सर एक्स्ट्रा वर्जन क्या है? एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेड है जो बोलता है कि आप कितने सोशलाइज हो, कितने पॉजिटिव हो, कितने असर्टिव हो, ठीक है? तो पर्सनैलिटी ट्रेड में एक वन ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेड्स है जिसका नाम है एक्स्ट्रा वर्जन। इसका मतलब ये कि आप अगर पॉजिटिव हैं, आप असर्टिव हैं, आप सोशल हैं, तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं। एक फाइव पर्सनैलिटी से एक्स्ट्रा वर्जन का ही मतलब है। यहाँ पे लिख दो क्या असर्टिव, पॉजिटिव, एग्रीएबल। अब ये भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मस्त है। आप आज निकलो और एक सोशल एक्सपेरिमेंट करो, तीन डिफरेंट टॉपिक्स उठाओ। एक उठाओ इंजीनियर से, इंजीनियरिंग की फील्ड से, एक उठाओ मेडिकल की फील्ड से, एक उठाओ अकाउंटिंग की फील्ड से। तीनों डिफरेंट टॉपिक्स आप निकलो बाहर और लोगों से डिस्कस करना शुरू करो। आपको ऐसा अंदाजा होगा कि पूरे मुल्क में, सिर्फ कराची में, पूरे मुल्क में दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, दुनिया के बेहतरीन अकाउंटेंट्स भी मौजूद हैं। क्यों सर ऐसा क्यों है? मैं एग्रीएबल या समझा और से सुनो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के दौर में इंसान डिस्कशन करना भूल गया। उसको पता है कि आओ आर्ग्यूमेंट करनी, आओ जीतूंगा भाई, जीत मेरी है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ा था हमने कि इंसान अपने चैलेंजेस, अपने बिलीव्स को कम से कम चैलेंज होते हुए देख सकता है आजकल के दौर का इंसान ही, सही है? तो एक अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाला शख्स वो है जो सामने वाले की बात एग्री करके समझे, सुनने पे आमादा हो कम से कम। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट जो आपको बोला है वो करके देखने लो, तो यही फील होगा, ऐसा ही फील होगा, ठीक है? न्यूरोटिसिज्म एक ऐसी कैफियत को कहते हैं कि जो कि एनवायरनमेंट से, यार मैं कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है कि स्किन जाने आपकी जिंदगी के हर सेकंड में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। न्यूरोटिसिज्म क्या है? आप किसी भी एनवायरनमेंट से अनसेफ फील करें अपने आप, या किसी भी एनवायरनमेंट जाके अनहेल्थी फील करें, या कोई थ्रेट फील करें, सही है? तो दैट डिग्री ऑफ फील जो आप करोगे, वेदर एनवायरनमेंट का कंसर्न हो या किसी भी चीज से कंसर्न हो, उस डिग्री को कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। जिसका डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म कम है उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट अपने आप को करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है चीजों को। अब जो सुनते हैं, सुनी सुनाई बातों में मैं हमेशा बात करता हूँ, ठीक है? आप मैं ऊपर से लाता हूँ तो लोग बोलेंगे यार ये करो। हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की नंबर वन, ISI। अब अगर आप इस तरह की कोई बात करो कि कोई एजेंट है, आपने बहुत सारे वाक्य सुने होते हैं, ऑब्वियसली वो डिस्क्लोज तब होते जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता, तो उनका आपको लगता है कि वो ऐसी किसी पोजीशन पे, ऐसी किसी जगह नहीं करोगे जहाँ पे उनको इतना थ्रेट हो, लाइफ थ्रेट हो, बेसिकली बेशुमार जगह हो, सर हो सकता है कि यार अगले सेकेंड में वो जगह पड़े हो, अगर वो उस चीज को मैनेज करना चाहते हैं, तो उनका डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म क्या होगा? ठीक है, अगर मैं उस बारे में मुझे बात करूँ तो डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म बहुत कम है, और यही रीजन है कि वो हम तमाम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, उनका दिमाग चलता है, जहन चलता है। मैं क्या करूँ, ये मेरी राय नहीं है, दुनिया में मौकफ है वही। तो न्यूरोटिसिज्म जिसका जितना अच्छा होगा डिग्री, उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होगी, सिर्फ इस बारे में। तो ये है बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और ये है मेरी ट्रेट थ्योरी, सही है? तो ट्रेट थ्योरी क्या कहती है ये आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं बिहेवियरल थ्योरी। सर क्या कहती है बिहेवियरल थ्योरी? अनलाइक ट्रेड थ्योरीज के जिसमें क्या बताया हुआ है कि लीडर का ऐसा होना जरूरी है, लीडर का ऐसा होना जरूरी है, अगर लीडर अपने अंदर ये खासियत रखता है तो अच्छा है, अगर नहीं रखता तो अच्छा नहीं है,
सर बिहेवियर थ्योरीज हमें बताएंगी कि अगर आपके लीडर का बिहेवियर ऐसा है, अगर आपके लीडर का ये लीडरशिप स्टाइल तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उस लीडरशिप स्टाइल के अंदर बिहेवियर से उसको कैसे लिंक करेंगे ये हम यहाँ पढ़ेंगे बिहेवियर थ्योरीज। अच्छा बिहेवियर थ्योरी क्योंकि ट्रेड थ्योरीज के बाद है, ट्रेड थ्योरीज बहुत पुराने जमाने की थ्योरीज थी जिसमें कहते थे कि सब पीपल आर बॉर्न लीडर। ट्रेड थ्योरीज का था ना कि भाई कुछ लोग पैदा होते लीडर हो, तो बेसिकली फिर ये आर्गुमेंट आया कि ऐसा नहीं है। सही है, मैं आपको पूरा क्रक्स बता रहा हूँ कि ये आखिर हम पढ़ रहे हैं, चीज का पूरा एक ओरिजिन दे रहा हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ। पहले थ्योरी है इसने बोला कि पीपल आर बॉर्न लीडर। बिहेवियर थ्योरी है इसने बोला नहीं, आपको पता होगा मैनेजमेंट में आपको परसेप्शन का नहीं है टॉपिक, मगर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। परसेप्शन में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जिस तरह हर शख्स की शक्ल का नक्शा अलग है, चलो वो कहते हैं कि दुनिया में 6% चांस है जो कि 6 शक्लें छोड़ दो, लेकिन दुनिया में हाथ के फिंगरप्रिंट्स तो सबके डिफरेंट है ना, वो तो सेम हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। बिल्कुल इसी तरीके से सबका परसेप्शन अलग हो, लिटरली ये नेचर है। आप इस बोर्ड को देख के कुछ और सोच लोगे, मैं इस बोर्ड को देख के कुछ और सोच रहा हूँ, आप 1.5 लाख लोग लो, 1.5 करोड़ लोग लो, हर किसी का मौका अलग होगा, स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो बिहेवियरल थ्योरी ने बोला कि जो परसेप्शन क्रिएट होगा ना वो पांच चीजों से, 4 से 5 चीजों से, एनवायरमेंट, मोटिव्स, इंटरेस्ट्स, एक्सपीरियंस, बिलीव्स, पांच। ठीक है, जैसा कि बहुत एक पुरानी एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़े मजमे की क्लास में मैं बात कर भी गया था, एग्जाम्पल दे भी दी थी और लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया था, वही वाली दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। एक लड़की है क्लास 1 में, उसके साथ पूरी क्लास, ठीक है, स्कूल है मैट्रिक तक को सर एक ही क्लास में, जिसमें उस लड़के कुछ लड़कों ने उसकी छेड़ बनाई हुई है, उसको उसका रंग फेयर नहीं, तो उसको बोलते हैं सब फेयर रंग भी फेयर। अब उसको इस तरीके से एक तरीके से मजाक का माहौल है, वो सब फेयर एंड लवली कहे जा रहे हैं, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज आए, यूनिवर्सिटी आ गए, सब अलग अलग है, कोई डिसीजन नहीं मिल रहा, बहुत टाइम हो गया, जिस तरह नॉर्मली होता है। वही लड़की उनकी एक शादी में गई अपनी फ्रेंड्स के साथ, सारी बैठी थी, किसी ने बातों बातों में उनके बराबर वाले टेबल या उससे बराबर वाले टेबल में किसी ने बातों बातों में फेयर एंड लवली सुना सबने, लेकिन उसने क्या उसी तरीके से सुना होगा नहीं, उसको उसने फॉरन पढ़ के देखा, लेकिन उसको पता चला नहीं कोई और है, क्या बाकी टेबल पे बैठे वाले लोगों ने उस तरीके से सुना उस चीज को। सो परसेप्शन यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट हुआ, एक्सपीरियंस, इसी तरीके से बिलीव्स, मोटिव्स, इंटरेस्ट। अब आपका मोटिव कुछ और है, मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरा मोटिव भी डिफरेंट है, कोई बात करता है पहले शिक्षा में फॉर्म मोड के देखता हूँ, कोई बात करता है कानून की, कंपनी है की regulations in case and then the foreign party is going to on this tarah ki kya baat hai, motive, interest। to ab ye baat jab tay ho gayi behavior theory ke baad bata di ki bhai perception create hota hai, banawani aata upar se, to jab perception ya create ho raha hai to skills kaise bani hogi, skills bhi create hogi, perception create hogi to skill create hogi, and that's why people are not born leaders। कुछ लोग पैदाइशी जो हेड थ्योरी ने बोला, बिहेवियर थ्योरी बोला ऐसा नहीं, सही है, चीज तरीके से बिहेवियर थ्योरी आगे क्या बोल रहा है, डिससैटिस्फेक्शन विद द ट्रेड थ्योरी लेड टू अ न्यू थ्योरी दैट फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ लीडर, जो कि बिहेवियर थ्योरी कहलाती है। द बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजर स्टाइल वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, 1960 के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुई, लोगों ने देखा, इसको पढ़ना शुरू किया, फिर मैनेजमेंट ने बोला गया ये चीज़ ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा है, इसको अडॉप्ट करते हैं लोग उसके अडॉप्शन पे है, ठीक है। तो ये थ्योरी भी फोकस तो इसी बात पे करती है व्हाट लीडर्स डू, ठीक है, लेकिन किस तरीके से, बाय अटेम्प्टिंग टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लीडर्स स्टाइल ऑफ लीडर। यहाँ पर अनलाइक ट्रेड थ्योरीज
वो ये नहीं देखते कि लीडर क्या कर रहा है भाई, लीडर अच्छा 2:05 में खाना खाने जा रहा है, फिर वहां से वो वॉशरूम जा रहा है, फिर वो जो है बाहर अल्लाह माफ कर छुट्टा मार रहा है, ये थोड़ी देखना है। ये जो थोड़ी बोला कि बिहेवियर का मतलब ये है कि कौन सा स्टाइल अपना रहा है, जो इतने सारे डेमोक्रेटिक पढ़े ये पढ़े, तो बिहेवियर थ्योरी का यहाँ पे फोकस। और उसके बाद उन्होंने वही तीन चीजें हमारे सामने रख दी कि भाई या तो लीडर का बिहेवियर टास्क ओरिएंटेड होगा या लीडर का बिहेवियर पीपल ओरिएंटेड होगा। ये दो चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि टास्क ओरिएंटेड क्या है लीडर ने लास्ट हमारे लेक्चर में, ठीक है। तो बिहेवियर थ्योरी में सबसे पहले उसने बोला कि लीडरशिप का स्टाइल क्या होगा, सही है, टास्क ओरिएंटेड होगा, अजान एग्जीक्यूट होगा, लीडरशिप का स्टाइल, स्टाइल इसमें टास्क ओरिएंटेड है या पीपल ओरिएंटेड, लीडर का डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए और कैसा होता है ये ऑब्जर्व करेंगे। और कुछ लिमिटेशंस हैं बिहेवियरल अप्रोच की वो डिस्कस करेंगे, यानी बिहेवियर थ्योरीज के लिमिटेशन भी। देखो अभी फाइव ट्रेड्स ऑफ थ्योरीज की मैं बात करूं तो सही है, इन्होंने ट्रेड्स बता दी, अच्छी बात है बहुत, मगर इन्होंने एक चीज मिस कर दी जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसको सोचना कि सही है नहीं, वो है लीडर का सोचने का तरीका, सही वे ऑफ थिंकिंग, इसको इस तरीके से नहीं किसी और मैनेजमेंट के जबान में लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन उन्होंने नहीं डिस्कस किया मेरे हिसाब से, वो भी एक पर्सनल रिलेटेड का पार्ट है। कैसे, देखो तो सिंपल सी बात है, मेरा अपना मानना है कि इंसान का, इंसान के पहलू के ना सिर्फ तीन ही एग्जाम है अगर देखा जाए, क्या जो अमल का पहलू इंसान करता है, जो ना करता है क्या करता है, जिन चीज़ करता है या वो सोचता है या वो बोलता है या वो करता है, इसके अलावा कुछ अगर बता दो, ये तीन पहलू होते हैं। इंसान इसकी सीक्वेंस अगर बरकरार रखे वो कामयाब, मैं की टू सक्सेस दे रहा हूँ अगर अप्लाई करना चाहो तो करें, इन तीनों की सीक्वेंस बरकरार सर क्या मतलब, सबसे पहले करना चाहिए, बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, या सबसे पहले बोलना चाहिए सोचना चाहिए, इसकी सीक्वेंस बरकरार रखना चाहिए। एक सवाल का जवाब देने कोई उठ के बता दे कि जो शख्स सही सोच नहीं सकता क्या वो सही बोल सकता है, नहीं पूछो, जो शख्स, जो बंदा बोल सही नहीं सकता क्या वो कर सही सकता है। सर सीक्वेंस मेरे सामने आ गई कि सबसे पहले जो मसला आ रहा है ना वो आ रहा है सोच, सोच के बाद बोलना और फिर करना, तीसरा दूसरा और तीसरा पहलू इंपॉर्टेंट, जो स्टार्ट जो ओरिजिन है वो यहाँ है। सबसे पहले सुबह क्या क्या कर दो, सोचते उठ मैंने आज क्या करना है, ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है इंसान तो बहुत अच्छी बात है, यही कर रहा उठ के करना शुरू हो जाएगा। अब जॉब में क्या हो रहा होगा, आप उठे मुंह धोए हाथ धोए जा रहे बस, आपको नहीं पता आपको पता जॉब में करनी है क्या, आपने एक बार भी सोचा कि आज करना क्या है, किस तरीके से क्या करना है, आज का दिन कैसे गुजारना है, और सोचेगा आपने क्या सोचेगा देखिए आज क्या क्या किया और कल क्या करना है, लिख किया आज और कल को परसों को, लोग नहीं करते और फिर कहते हैं कि हम कामयाब नहीं। देखो कामयाबी अगर बहुत ज्यादा मेहनत करने से मिल रही होगी, दुनिया में मजदूर सबसे कामयाब होगा, मसला है यहाँ पर सोच का, दिमाग का। एक बंदा जो बहुत बड़ी सीट पे बैठा हो और एक बंदा जो मजदूर है उसमें क्या फर्क है,
यही एक फर्क है कि वो सोचता है, उसके पास इल्म है, वो सोच सोच के आगे पहुंचा है भाई। अगर उसको सिर्फ मेहनत करनी होती, उठाव करके इंटर रखते होते, तो फसलों भी इंटर रखता। ये फर्क है, ये बहुत आपकी पूरी पर्सनैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से भी। आप निकलोगे ही तब अपनी पर्सनैलिटी घूमी तब करोगे जब आप सही। तो ये तीन चीजें हैं जो बिहेवियरल थ्योरी बताती है आपको भाई। लीडर का डिसीजन मेकिंग का क्या है उसको पढ़ लेते हैं कि बिहेवियरल रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन वाज हाउ लीडर्स एक्चुअली मेक डिसीजंस, कि भाई एक लीडर फैसला कैसे करता है। सही है, बहुत सारे तरीके, थोड़ा सा टेक्निकल एरिया, उसको हल्का नहीं लेना। क्या एक लीडर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ साइन कर रहा है, फैसला कर रहा है, हाँ भी सही है? क्या वो उसका बैकग्राउंड देख रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख रहा है, क्या प्लस क्या माइनस है, उसका पूरी इसको स्टडी करके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करें, सारी चीजें कर रहा है नहीं कर रहा, तरीका क्या है उसका। सर ये तो हमने देखना ही है, साथ में भी देखना है कि उसकी उसकी डिसीजन मेकिंग की जो स्ट्रेटेजी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको किन किन लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, क्या वो अकेले सारा काम कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल है उसका, या टास्क ओरिएंटेड है, मैं खुद करूंगा बता दूंगा जब हुआ। ये सारी चीजें आती हैं कि लीडर डिसीजन मेकिंग कर कैसे रहा है, उसकी थ्योरीज बिहेवियरल थ्योरी भी बताती है। उसके अलावा लिमिटेशंस कुछ क्या है बिहेवियरल थ्योरीज की, वो पढ़ लेते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है, क्या होंगी भाई, इतनी अच्छी थ्योरी है तो इतने अच्छे अप्रोच है। सिमिलर टू ट्रेड अप्रोच फेल आउट ऑफ फेवर बिकॉज दे नेग्लेक्टेड द एनवायरनमेंट इन विच बिहेवियर्स आर डेमोंस्ट्रेटेड। इन्होंने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर ही नहीं किया भैया। आपको कैसे पता कि अगर एनवायरनमेंट में जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई भी एक्सटर्नल नॉर्मली फैक्टर्स कौन से होते हैं, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल, टेक्निकल, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो हिट कर सकते हैं आपके बिहेवियर को। ये फैक्टर, ये पॉइंट कंसिडर नहीं कर पाए बिहेवियर थ्योरीज के लिए भी निगलेक्ट। उसके बाद कौन सी अप्रोच आई भाई, उसके बाद अप्रोच आई जिसका नाम है कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच में बोलता है आकर के भाई अब तुम्हें पता चलेगा कि अब सवाल अगर आए भाई मुझे एक बात बताएं, एक लीडर वो अच्छा है जो पार्टिसिपेटिव, जो पीपल ओरिएंटेड हो, या वो लीडर अच्छा है जो टास्क ओरिएंटेड हो, आखिर कौन सा लीडर अच्छा है। बहस उठ गई, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। फिर अप्रोच आई कंटिंजेंट अप्रोच, कि एक सक्सेसफुल लीडर वो है जो कि अपने आप को मोल्ड कर सके, फ्लेक्सिबल कर सके, जहां पे उसको टास्क ओरिएंटेड बनना है वहां पे टास्क ओरिएंटेड बने, जहां पे पीपल ओरिएंटेड बनना है वहां पर, वो कामयाब लीडर है। कंटिंजेंट, डिपेंडेंट, कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर टास्क ओरिएंटेड होगा तो फौरन वो स्विच ऑन कर ले टास्क पीपल, तो ये है हमारी कंटिंजेंट अप्रोच। सही है, कंटिंजेंट अप्रोच हमें बताती है कि किस तरीके से कौन सा लीडर अच्छा है। इसके अंदर हमारे पास कंटिंजेंट थ्योरीज आती है, जिसमें हमारी पहली थ्योरी फीडर्स कंटिंजेंसी थ्योरी, ठीक है, उसको पढ़ दे। अब कंटिंजेंसी थ्योरीज ही आपके पास आएंगे सारी, अभी तक तो हम पढ़े थे ना बिहेवियर थ्योरीज में ये है वो है, लेकिन थ्योरी इन एक्चुअल हमने नहीं पढ़ी ना आपके कोर्स में। बिहेवियर थ्योरी भी नहीं है ना ही ट्रेड थ्योरी है, सिर्फ बताया कि भाई ट्रेड थ्योरी में ये था, बिहेवियर में ये था। कंटिंजेंट थ्योरी में आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, जिसके अंदर फील्डर है, ग्रुप की है, और भी थोड़ी अच्छी थ्योरी, ठीक है। तो फील्डर की थ्योरी आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्लास को एंड करेंगे, कोशिश है कि आप इसको कम्प्लीट करें। फील्डर कंटिंजेंसी थ्योरी, सर ये बोलता है कि सिचुएशनल लीडरशिप,
इज व्हाट प्रेजेंट सिचुएशन डिमांड्स। प्रेजेंट सिचुएशन क्या डिमांड करती है कि भाई आप सिचुएशनल लीडरशिप आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। सिचुएशन को देख के आप अपना लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट करो और उस तरीके से परफॉर्म करो, उस तरीके से लीड करो, जब भी आप सक्सेसफुल होगे। ये बोलता है फेलियर की कंटिन्यूअस थ्योरी। ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं। सिचुएशनल याद रखना, सही समझ में आ गया ना कंटिजेंट सही अप्रोच। अच्छा, सबसे पहले बकवास क्या है, आरडीएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोड़ो उसको। अकॉर्डिंग टू थ्योरी अ लीडर्स स्टाइल इज मेजर्ड बाय द स्केल और लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स स्केल एलपीसी, लीस्ट वर्कर प्रेफर्ड कोवर्कर्स स्केल, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। ठीक है, बड़ा खतरनाक सा नाम है इसका, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स स्केल। सर नाम से ही जाहिर है कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ आने वाला है, एक ऐसा टेबल आने वाला है जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये वो कोवर्कर है जिससे आप प्रेफर करोगे काम करना, पसंद करोगे। ठीक है, एक टीम आपके पास ऐसी होगी कि जहाँ पे कोवर्कर्स एक दूसरे से काम करना पसंद कर रहे होंगे, एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे नहीं पसंद कर रहे होंगे काम करना एक दूसरे के साथ। तो दोनों जगह क्या सेम लीडरशिप स्टाइल अप्लाई हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सिचुएशन को देख सही। अब ये इस चीज के बाद आगे इस पे बढ़ रहा है कि सिचुएशन कौन सी होगी। ठीक है, सिचुएशन बेसिकली सिचुएशन का मतलब क्या है, तो अभी हमें ऐसा ऐसा बात चल रही है कि सिचुएशन का मतलब कि एक टीम ऐसी है जहाँ पे कोवर्कर्स आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, दूसरे के साथ काम करना, दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट नहीं पसंद करते। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन जो बता दी। पीपल हु आर फिलिंग आउट दिस सर्वे आर आस्क्ड टू थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज द देयर लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। ठीक है भाई, एक जगह उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, दो टीमें बनाई और देख लिया कि भाई एक दूसरे को उसने क्वेश्चन में बांट लिया कि भाई आप किसके साथ पसंद करते हैं काम करना और किसके साथ पसंद नहीं करते। इस तरह उसने कंक्लूड किया कि ये वो लोग हैं जो इन इन लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते। याद तक पहुंच गए, अभी आगे इस चीज से क्या खास करेगा। द थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट इन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशंस। ठीक है, एक सिचुएशन मेरे पास फेवरेबल आ गया, कोवर्कर्स प्रेफर करते हैं, अनफेवरेबल या प्रेफर नहीं। Low LPC leader one who has feeling of dislike for coworkers are difficult to work with. Obviously, वो leader जहाँ पे जो unfavorable situation में काम कर रहे थे, वो अपने leadership को opt करने में मुश्किल पेश आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो उनको समझ में भी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ पे कौन सा leadership style अपनाएं। उसी बंदे को दूसरी जगह लेकर गए तो उसने बोला यार क्यों, क्योंकि अगर मैं उसको पहले favorable वाली जगह पे ले गया, उसने वहां पर एक लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट किया होगा, लेकिन वही लीडरशिप स्टाइल लेकर मैंने उसको फेंक दिया कहां पे, अनफेवरेबल। अब क्या वो वही वाला लीडरशिप स्टाइल अप्लाई करके सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये वाली बात हो गई। व्हेन सिचुएशनल फेवरेबलनेस इज मीडियम, अ हाई एलपीसी लीडर हु इज एबल टू पर्सनली लाइक कोवर्कर्स हु आर डिफिकल्ट टू वर्क विद इज मोर लाइकली टू सक्सेस। भाई वो बंदा जो कि अनफेवरेबल सिचुएशन में, अब सिचुएशन मीडियम आ गई, ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल, समवेयर बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फिर कौन सा लीडरशिप स्टाइल रहेगा और कौन सा वाला बंदा सही रहेगा, तो उसने बोला वो वाला बंदा जहाँ पे एलपीसी का डिग्री ज्यादा है, जहाँ पे कोवर्कर्स एक दूसरे को पसंद नहीं ज्यादा करता, तो वही वाला बंदा मीडियम वाले में चलेगा। ठीक है, और उसने बना दिया एक बड़ा बेहतरीन सा ग्राफ टेबल। उससे पहले एक पैराग्राफ उसको देख लो। How does feeder determine whether a situation is favorable, medium or unfavorable? वो ये बात कैसे determine कर रहे हैं? Obviously पीछे बढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर co-workers एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे थे वो unfavorable है, जहाँ पसंद कर रहे थे वो favorable है, और medium somewhere between favorable। तो उसने बोला कि उसने कि एक structure बना दूँगा जिससे मुझे पता चल जाए कि favorable exactly ये है, unfavorable exactly ये है, और medium ये है। अब इससे सारी बात और सारी थ्योरी क्लियर हो गई। सिचुएशन की फेवरेबलनेस के लीडर और सबऑर्डिनेट्स का क्या रिलेशन है, बंदे की पोजीशन पे पावर क्या है लीडर की,
टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है और कौन सा किस जगह पे कौन सा बेस्ट स्टाइल हो सकता है। सही है। सर इसने तोड़ दिया उसको टेबल में। इसने बोला कि फेवरेबल क्या है। फेवरेबल वो है जहां पे लीडरशिप लीडर का और सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा हो, अच्छा हो। इन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा होना जरूरी है जब वो फेवरेबल कर रहा है। अच्छा, पोजीशन पावर कैसी हो, हाई हाई लो। हाई टास्क स्ट्रक्चर कैसा, हाई लो। ऐसे तीनों सिचुएशंस के लिए लो एलपीसी नीड होता है। सही, इसको मैं नरेट कर रहा हूं। जहां पर लीडर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा हो, पोजीशन पावर लीडर की हाई हो, टास्क स्ट्रक्चर भी हाई हो यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और बहुत लंबा टाइम का हो, वहां पर भी लो एलपीसी लीडर चलेगा। सर लो एलपीसी लीडर क्या, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एक ऐसा लीडर है जिसके सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ना ही वो लीडर के साथ काम करने को पसंद करते हैं, वहां पर भी लीडर अपना एटीट्यूड वैसा नहीं रख रहा, एटीट्यूड जैसे ही रख रहा है, तो ये लो एलपीसी लीडर है यानी कि सख्त स्ट्रिक्ट नेगेटिव। लो एलपीसी लीडर का मतलब है कि ऑटोक्रेटिक, पनिशमेंट दे, थ्रेट दे, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट दे। हाई एलपीसी लीडर का मतलब है कि नाइस रहे, एटीट्यूड अच्छा रहे, बिहेवियर अच्छा रहे। देखो ये थ्योरी सेंस में बता रही है कि अगर एक फैक्ट्री एनवायरनमेंट है, ठीक है, और फैक्ट्री एनवायरनमेंट में वर्कर्स अपने मैनेजर को पसंद नहीं कर रहे, तो क्या मैनेजर इसलिए देखेगा इस चीज को कि यार मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से बात करने की, हो सकता है सुधर जाए, अच्छे से मेरे से बात करें। अगर जब तक वो ये करेगा ना तब तक प्रोडक्ट का सत्यानाश हो जाएगा और सेल वेल सब रुक जाएगी, परचेज वगैरह बिड़ा वगैरह इन्वेंट्री गई, इतना टाइम नहीं होगा। तो आपको इस सिचुएशन में लॉयल बिजनेस लीडर ही चाहिए, इस सेंस में बात हो रही है। फेवरेबल का मतलब वो नहीं समझना, फेवरेबल का लव जो है ना ये नेगेटिवली यूज हुआ है, अभी ये स्टार्ट कंप्लीट होगा ना तो फिर समझ पाएगा, ठीक है। और ये थ्योरी फीडलर ने दी है, सही, अभी इसको कंक्लूड भी करेगा ना किस तरीके से करता है। मीडियम गुड, यहाँ पे चलेगा हाई।
अनफेवरेबल रिलेशनशिप, पुअर हो, लो, और अब आएगा मजा, लो एलिमेंट्स। अब समझ में आएगी आपको, ठीक है? वो इतना रिएक्टिव नहीं है उनके रिलेशन से, चाहे रिलेशन अच्छा हो या बुरा हो, रिएक्टिव नहीं है इतना। लीडर ये देखो, लो एलबीसी लीडर, यहाँ पर भी लो एलबीसी लीडर, इतना रिएक्टिव नहीं है। किस किस की जगह पे, कि अगर रिलेशन भले अच्छा हो, पोजीशन पावर सेम हो, टास्क स्ट्रक्चर ये हो, लो एलबीसी लीडर यानी कि इतना रिएक्टिव नहीं है। अगर वो आपसे बहुत अच्छे से बात करें, तारीफ करें, सर क्या बात है, शर्ट क्या टाई है, सब जबरदस्त, बोलो ओके सही है, ठीक है, मक्खन लगाएंगे, सही है, कोई मसला नहीं। चाहे आपको आगे बुरा वाला करे, गालियां दे रहे, फिर भी आपको आवाज करेगा, फिर भी बोलो कोई बात नहीं, सही है, काम तो करना है, समझे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? ये दोनों जगह पे लो एलबीसी लीडर, मीडियम पे हाई एलबीसी। मीडियम क्यों? क्योंकि आप देखोगे मिक्स है, गुड भी है, वहां पे अगर आप लो रखोगे तो जो गुड रिलेशन वाले, देखो इसने सिचुएशन बताई मैंने, गुड में आपकी पोजीशन भी तो लो है, पुअर वाले में पोजीशन हाई है आपकी, पुअर में यहाँ पे लो है लेकिन टास्क स्ट्रक्चर हाई है, टास्क स्ट्रक्चर हाई, फैक्ट्री एनवायरमेंट आके अभी के जहाँ पे मैं सरप्राइज करूंगा, सरप्राइज होगा, एक बार चार्ट कंप्लीट हो गया, ये चार्ट का स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो कि चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब 9 अलग अलग सिचुएशन है, 9 अलग अलग सिचुएशन पे बात करें, सही? अगर लीडर का और सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा है, लीडर की पोजीशन पावर हाई है, टास्क स्ट्रक्चर भी हाई है, तो लो एलबीसी लीडर यानी कि रिएक्टिव नहीं रहोगे। लो एलबीसी हाई से समझ में आ गया, मतलब रिएक्टिव नहीं रहूंगा। हाई एलबीसी लीडर अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनके साथ रिएक्टिव रहो, यानी कि जो अच्छा कर रहा है, जो गुड है, उसके साथ नाइसली बिहेव करो, उसका एटीट्यूड सही रखो, उसको फेवर भी दो कभी कभार। सर दूसरा सिचुएशन में क्या है, रिलेशन तो अच्छा है, पोजीशन पावर भी अच्छी है, टास्क स्ट्रक्चर लो है। सर क्या मतलब? प्रोजेक्ट है कोई, 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते के लिए वर्कर आया मेरे पास, लीड मैं ही कर रहा हूँ और बड़ी पोजीशन पावर में हूँ, रिलेशनशिप भी मेरे साथ, मेरा उसके साथ अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर छोटा है, 2 हफ्ते का, तो क्या ऐसे में मैं उससे इतना बनता है उससे रिलेशनशिप बढ़ाना, मुझे काम निकलवाना है सर, काम निकलवाना है जैसे भी। थ्योरी कौन सी है सर? कंटिजेंसी है, टास्क ओरिएंटेड भी रहना है, पीपल ओरिएंटेड भी रहना है। यहाँ पर मुझे 2 हफ्ते काम निकलवाना है, लो एलबीसी सर। तीसरी, अच्छा ये भाई यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सही लिंक हो रहा है चीज सर। तीसरी आ गई, अच्छा यहाँ पे 4 ही, 1 कम हो जाएगी सब में सर, सही है, 3 ही है बेसिकली। रिलेशनशिप अच्छा है सर, टास्क स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, लेकिन आप पोजीशन पावर में नहीं, तो जब पोजीशन पावर में नहीं हो तो सर मैं रिएक्ट करके करूँगा क्या? मैं सिंपल सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे 2 जूनियर्स हैं, जूनियर्स ने मुझे काम देना है, मैंने मैनेजर को काम देना है भाई, काम मैनेजर सिर्फ मेरा क्या है यहाँ पर, टास्क ओरिएंटेड, मैंने उससे काम देना आगे देना काम, ठीक है? और आसान कर देता हूँ, लो एलबीसी टास्क ओरिएंटेड है, हाई एलबीसी पीपल ओरिएंटेड है। ठीक है सर, मीडियम में गुड रिलेशनशिप अच्छा है। देखो ये टेबल इसने खुद बना के दिए और हमें इसको नैरेट खुद से करना है, हम ये नहीं कह सर, अब ये कह सकते हैं सर ये क्या सर, मीडियम में गुड लो, लो मुझे लग रहा है फेवरेबल में आना चाहिए,
ये उसका टेबल दिया हुआ है उसी जवाब पर, ठीक है, इस तरह का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। सर रिलेशनशिप अच्छा है, पोजीशन पावर भी लो है, टास्क स्ट्रक्चर भी लो है, यहाँ से मैं कैसे काम निकलवा सकता हूँ? वो बोलेगा भाई तुम कौन हो, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ, यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे मेरा सबऑर्डिनेट से रिलेशन अच्छा हो या बुरा हो। अगला सर पोजीशन पावर भी आई है, टास्क स्ट्रक्चर भी आई है, रिलेशनशिप पुअर है। अब अगर जब तक के मैं उससे सही से बात नहीं करूँगा ना, उसने मुझे ऐसा नचाता है ना कि मैं काम को निकलवा नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसे में मुझे आगे किसी लीडर रहना पड़ेगा, रिएक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। पुअर, अच्छा यहाँ पे हाई एलपीसी लीडर का मतलब है कि अगर ये पुअर है तो उसके इसी तरीके से उसके साथ निपटा जाएगा, सही है। यहाँ पे पुअर है, ये हाई है, लो, वही वाली बात, ऊपर क्या था, हाई लो में ये रिलेशनशिप गुड था, यहाँ पे मीडियम में रिलेशनशिप पुअर है, पोजीशन पावर हाई है, स्ट्रक्चर लो है, ठीक है। अब चीजें समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर स्ट्रीक लाइन हो रहा है भाई, पोजीशन पावर हाई है, दो हफ्ते का काम है लेकिन वो पसंद नहीं कर रहा मुझे, तो हाई एलपीसी सिंपल सी बात, बल्कि हाई भी हटा दो। खैर आपको पता है मेरा इसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, मैं जब तक के इससे डंडा देके काम नहीं करवाऊंगा ना, इन शॉर्ट डंडा पकड़ के हाथ में ऐसे काम नहीं करवाऊंगा ना सर पे रख के, तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए मुझे आप हाई लेवल से नहीं करना, रिएक्टिव रहना पड़ेगा, जैसा पुअर है उसी तरह उससे रिएक्ट करो, ठीक है। सर अगला सिचुएशन है पुअर, पोजीशन पावर लो, स्ट्रक्चर हाई, टीम में तीन महीने का काम है, डेडलाइन भी दी हुई, प्रेशर फुल है, लेकिन मेरी पावर ही नहीं इतनी और वो मेरे साथ पुअर है, अगेन आई लेवल अनफेवरेबल। सर पुअर लो, स्ट्रक्चर भी लो है, पोजीशन भी नहीं है, रिलेशन भी बहुत बुरा है, वो फुल एकदम फंडे होते हैं हमारे एक एक घंटे हो, सर उस पर आप फुल वेल सकते। ये है फीडर की कंटिजेंसी थ्योरी, यही आपको क्वेश्चन में दूंगा, इसको आप अप्लाई करोगे अपने लफ्जों को सवालों के जवाब के अंदर, जब भी बात बनेगी इस तरह देख के समझा भी दूंगा, समझने भी आ जाएगा, मजा भी आएगा, सब ताली भी बजाएंगे, लेकिन जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक नहीं समझ आएगा, उसके मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैंने इंशाल्लाह मुझे असल में वो फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए दे देंगे, उसके बाद एक बार फॉर्मेटिंग हो जाए तो आपको वो सारे प्रोवेशन होगा, सही, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड इतवार तक मैं आपके हाथ में दूंगा। लॉ के भी मेरी तरफ से लॉ और पीएम, क्योंकि मैं तो इस वक्त देख रहा हूँ चीज़ों को, लॉ और पीएम के दोनों के आपके पास क्वेश्चन आपके हाथ में किसी भी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि उसको मुझे करके पहुंचाओ मेरे तक, जितना जल्दी पहुंचाओगे मैं आप लोगों की गलतियां निकाल के दूंगा, आप लोगों को आप मतलब आप लिटरली देखोगे कि आप अपने तरीका जो है ना लिखने का उसमें आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे, क्योंकि आप जो लिखोगे ना स्टार्ट में वो इंग्लिश होगी, लाजी बात है आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, आपने इस तरीके से ड्राफ्ट किया तो स्टार्ट में आप इंग्लिश लिख के दोगे, मैं आपको जो चीज़ सिखाऊंगा उसके बाद आप मैनेजमेंट की लैंग्वेज सीखना शुरू होगा ना, आप खुद देखोगे कि आपकी किताब के जुमले और आपके जुमले बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ मिलना शुरू होगा, और एग्जामिनर को यही चाहिए, वो कहता है कि बच्चा यार या तो रिटो उसको पता है फुल स्टॉप में छपा हुआ है तो समझ चला गया, या तो बिल्कुल ही कोई गई गुजरी कहानी होती है कि वो उर्दू लिख के आता है इंग्लिश उर्दू जैसे तो भी समझ जाता है कि क्या कहानी चाहिए, तो हमें परफेक्टली प्रिपेयर होकर जाना है, बैठ रहे हैं यहाँ पे मकसद है कुछ जा रहे हैं बैठे उस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है, सही है। तो इस क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, चीज़ों के साथ होगी, और हमेशा से हर वही वाली पुरानी बात कि प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।